यदि मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी माता ने मुझसे फिर से कुछ छिपाया है तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि मैं क्या कर बैठूंगा। मैं असत्य से घृणा करता हूं क्योंकि मेरी माता को असत्य से घृणा है, परंतु मैं जानता हूं कि मेरी माता संज्ञा मुझसे कभी कुछ नहीं छिपा सकती। कैसे बताऊं शनि को सत्य, वो टूट जाएगा, न जाने क्या कर बैठेगा। बहुत दुविधा में हो, मैं कोई सहायता करूं? क्यों ना मैं जाकर शनि को संज्ञा और छाया का रहस्य बता दूं? पुत्र को अधिकार है ना माता के विषय में जानने का। नहीं देवी संज्ञा। देवी संज्ञा, बड़ा शीघ्रता से पलटती हो छाया। शनि का अधिकार है ये जानना कि जिस बीज का फल होने में वो गर्व अनुभव करता है उस बीज का उद्गम क्या है। नहीं संज्ञा, ऐसा मत करो, मैं विनती करती हूं। शनि और मेरा संबंध सदा के लिए संकट में आ जाएगा, ऐसा मत करो। अनुभव हुआ विश्वास टूटने का क्या परिणाम होता है। जाओ जाओ, जाकर शनि को सत्य बताओ, जाओ। नहीं, दया करो, मैं शनि को सत्य नहीं बता सकती। छाया, याचक को खाली हाथ लौटाना देवियों का स्वभाव नहीं है देवी संज्ञा। कर दो दया अपनी छाया पर, परंतु उसका मूल्य मत छोड़ना। अब ध्यान से सुनो छाया, कल तुम सभा में आधा सत्य ही बताओगी कि मैंने तुम्हारा अपहरण नहीं किया। तुम्हारा निर्णय जो हो छाया, परंतु कल की सभा का परिणाम मैं अभी बता देती हूं। कल तुम्हारी कहानी समाप्त, तुम और तुम्हारा शनि सदा के लिए मेरे जीवन से चले जाएंगे। सदा के लिए, 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 सदा के लिए। क्या हुआ मित्र? मैंने प्रथम बार तुम्हें इतना शंकित देखा, क्या हुआ? नहीं जानता काकुल, परंतु इतना आभास हो रहा है कि कुछ अशुभ होने को है। कैसा अशुभ शनि? ज्ञात नहीं काकुल, परंतु परंतु कुछ अनिष्ट होने वाला है। माता, माता कहाँ है काकुल? कहाँ है माता? एक माता के समक्ष जब प्रश्न
संतान के अस्तित्व का हो तो वो उसकी सुरक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकती है महादेव। मैं भी बस यही चाहती हूँ, मेरे शनि की रक्षा करना महादेव। माता, माता, माता। माता आप सकुशल तो है ना माता? जिसका तुम जैसा कुशल पुत्र हो वो माता अकुशल कैसे हो सकती है? के जीवन में किसी भी निर्णय से पूर्व ना ही मेरी जीवा कापी है और ना ही आगे बढ़ने से पूर्व मेरे पग, तो फिर आज मेरे हाथ क्यों काप रहे हैं माता? क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है? कैसे बताऊं पुत्र, जिस माता पर तुम्हें इतना विश्वास है कल वही तुम्हारा विश्वास भंग कर देने वाली है। उत्तर दीजिए ना माता, क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है? जिसके इष्ट महादेव हो उसके साथ कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता पुत्र। तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो पुत्र, जाओ विश्राम करो और अच्छी निद्रा के लिए आवश्यक है मन में शुभ विचार रखो। अच्छी निद्रा के लिए आवश्यक है कि माता अपने पुत्र को लोरी सुनाए। रणिपाद सूर्यदेव, मुझे आपसे यह आशा नहीं थी देवराज। यदि आपको विश्वास है कि मैंने यह अपराध किया है तो किसी सभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है सूर्यदेव। आप बस कह दे कि मैं अपराधी हूं, जो दंड देगी स्वीकार कर लूंगा सूर्यदेव। निरपराध को दंड मिले, ये सूर्यदेव का न्याय नहीं। आप भूल रहे हैं देवराज, ये आपके विरुद्ध साक्षी मेरी पत्नी देवी संज्ञा है। यदि मैंने देवी संज्ञा का अपहरण करवाया था तो
तो उस दिन सभा में मैं कैसे उपस्थितता दे? विचार कीजिए देव, विचार कीजिए। क्योंकि देवी संज्ञा का अपहरण आपने असुर व्यक्त गंधा के हाथों करवाया था। ओ, व्यक्त गंध, उस शुक्राचार्य का शिष्य सूर्यदेव, सहस्त्र वर्षों से जानते हैं आप उस शुक्राचार्य को। वो तो चाहते ही नहीं कि देवलोक में शांति स्थापित हो। और शनि शुक्राचार्य द्वारा भ्रमित किया जा रहा है सूर्यदेव, भ्रमित। वो शुक्राचार्य हम देवों में मन मुटाव करवाना चाहता है। मेरा विश्वास कीजिए सूर्यदेव, मैं आपका शुभचिंतक हूं और ये बात मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। यही श्रेष्ठ भी होगा इंद्रदेव। आप ये सिद्ध कर दे कि आप अपराधी नहीं है, और यदि आप ये सिद्ध ना कर पाए तो इसका परिणाम कष्टकारी होगा। सभा में जाने का समय हो गया है। मुझे आराधना पूर्ण करनी है पुत्र, तुम चलो। नहीं माता, आज मैं आपके साथ ही जाऊंगा। ठीक है, द्वार पर प्रतीक्षा कर। माता, ना जाने क्यों मन में कहीं से स्वर उठ रहा है कि आज आप सभा में नहीं आएंगे। विश्वास करो पुत्र, आज सभा में सूर्य पत्नी अवश्य उपस्थित होगी। अब जाओ। Thank you.
मेरा विश्वास कीजिए सूर्यदेव, मैं आपका शुभचिंतक हूं और आज मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। देवराज, कदाचित ये सत्य होता, कदाचित आपका प्रयोजन शुभ होता। वैसे ही शनि से क्या समस्या है आपको देवराज? समस्या है देव, शनि मेरे मार्ग में बाधा बनता है। जरा जरा सोचिए, यदि आज इस सभा में शनि का आरोप मिथ्य सिद्ध होता है, तो उसी क्षण अपने वचन के अनुसार वो मेरा दास बनेगा। वो कर्म फलदाता नहीं, वो बनेगा देवराज इंद्र का दास। और देवराज इंद्र का दास कभी भी दानवों के पक्ष में नहीं जाएगा। यदि कोई और दिन होता तो मैं आपसे शनि की जीत की प्रार्थना करती महादेव, परंतु अब मैं जान चुकी हूं कि शनि कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए अब मैं उसकी चिंता आप पर छोड़ती हूं। बस मुझे शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए प्रभु कि मैं एक माता का कर्तव्य पूर्ण कर सकूं। तथास्तु, समय आ गया है पुत्री कि तुम चयन करो, और मुझे पूर्ण विश्वास कर्म फल दाता शनि की माता कोई अनुचित निर्णय नहीं लेगी। समय हो गया है छाया। समय आ गया है मेरे जीवन से जाने का। वर्षों पूर्व मैंने तुम्हारा इस लोक में प्रवेश करवाया था, तो अब मेरा कर्तव्य है कि जाते समय मैं तुम्हें विदा भी करूं। चलो। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद शनि, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं शनि। गिद्धों का इस भांति मंडराना ये तो अपशकुन है। क्या कुछ अशुभ होने वाला है आज? पुत्री, तुम्हें यह बताना आवश्यक है कि इंद्र की योजना अपना सिंहासन बचाने की नहीं है, अभी तो शनि को दास बनाने की है। माता, 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 तुम शनि को इंद्रदेव का दास बनते देखना चाहती हो? क्यों? क्योंकि शनि की माता ने, एक दासी ने रानी बनने का प्रयत्न किया। कहा था तुमसे मैंने, छाया हो
वृक्ष से जुड़ना पर फल मत देना। अपराध किया तुमने तो अब दंड भुगतो। चलो। एक मार्ग शेष है संज्ञा। मैं जानती हूं तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती हो, परंतु कदाचित तुम्हें यह अनुमान होता कि अपनी संतान की रक्षा के लिए एक माता किसी भी सीमा से ऊपर उठ सकती है। नहीं पुत्री, माता! नहीं, नहीं छाया, नहीं। नहीं, नहीं छाया! माता, माता!